फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रख रखाव के बारे में आवश्यक जानकारी लेंगे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ओपन रखें या तो फिर जो नेट का बैग आता है जिसमें जिप सिस्टम होता है उसमें रख सकते हैं। अगर आप पॉलीपैक में रख रहे हैं तो उसके मुंह को बंद ना करें। अगर आप पूरी तरह से उसके मुंह को बंद कर देंगे तो उसकी अंदर की गर्मी निकल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से उसके अंदर में मॉइस्चर होगा, पानी होगा, उसका लॉन्जिविटी कम हो जाएगा और वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसके मुंह को खुला रखें या तो उसमें छोटे छोटे छिद्र बना दें, होल्स बना दें, ताकि उसकी गर्मी निकल पाए। आइए देखते हैं अगर पॉलीपैक में हमें वेजिटेबल्स को रखना है तो कैसे रखना चाहिए। तो ये हमने कुछ वेजिटेबल्स रखा है और इसको देखिए, हमने मुंह को पूरा तरह से कवर नहीं किया है, इसको खुला रखा है और इसमें छोटे छोटे हमने होल्स बना दिए हैं, राइट, ताकि इसकी अंदर की गर्मी निकल सके। अब ये दूसरा पॉलीपैक देख रहे हैं जिसमें हमने धनिया का पत्ता रखा है और नींबू रखा है, और इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गैप है, और इस पॉलीपैक को भी देखिए हम लोग छोटा छोटा होल्स बना दिए ताकि इसकी गर्मी निकल सके। ये जो धनिया का पत्ता है इसको हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा करके कट करके और किसी कंटेनर में भी रख सकते हैं। ये देखिए हमने जो धनिया का पत्ता है इसको हमने छोटा छोटा टुकड़ा करके और एक कंटेनर के अंदर रख दिया है, इससे ये ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा। और इस कंटेनर में ऐसे रख के इसको कवर करके हम रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के सेल्फ में रख सकते हैं। जैसा कि देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ, अगर वेजिटेबल बॉक्स के अंदर मॉइस्चर हो रहा है या पानी हो रहा है जिसकी वजह से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खराब हो रहे हैं, तो हमें कवर टीवी को भी क्लीन करना है। इसको क्लीन करने के लिए हमें वेजिटेबल बॉक्स को बाहर निकाल लेना है। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको स्ट्रेट सामने की तरफ हम लोग पुल करेंगे और फिर थोड़ा सा ऊपर करेंगे और ये देखिए बाहर आ गए। अब हम लोग एक सूती का सूखा कपड़ा लेंगे और इसको इस तरह से कवर टीवी को हम लोग क्लीन करेंगे, राइट, देख पा रहे हैं, तो जो भी पानी है ये हमारे सूती का जो कपड़ा है, सूखा कपड़ा, इसमें आ जाएगा। और ये देखिए कपड़ा हमारा गीला हो गया, तो जो भी मॉइस्चर है यहाँ आ गया हो।